वैसे हम लोग इतने विस्तार से आपका सामान्य ज्ञान पढ़ चुके हैं कि आपकी एनसीईआरटी भी कवर करवा दी है, लूसेंट भी कवर करवा दी है, किरण सामान्य ज्ञान बुक्स भी कवर करवा दी गई है, और भी जितने हमारी तरफ से आपकी मदद हो सकती थी कर चुका हूँ। अब बात आती है कि वो तो है विस्तार में पढ़ लिया आप लोगों ने, एनसीईआरटी पढ़ी तो बहुत टाइम लगता है उसके लिए आप लोग अगर पढ़ते हैं तो। लेकिन आप कहने का मतलब है कि अब पेपर के लिए 1 से 1.5 महीना बचता है, तब आप लोग क्या करें? तो मैं इतना कहता हूं कि इतना ही आप लोगों को पढ़ के पेपर देने के लिए चला जाना है। पेपर के समय एक तरह से रिवीजन सीरीज है आपकी, इसमें आपकी पूरा चाहे विज्ञान हो, फिर चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स आपकी हो, या बायोलॉजी हो गई, या फिर चाहे आपकी इतिहास हो गया, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सब कुछ कवर करवा देता हूँ। तो जब भी आप लोग 1 आध महीने बचता है, 1 से 2 महीने, तब तो आप लोग एक रिवीजन के पॉइंट व्यू से ऐसे देखकर चला जाए करिएगा, ठीक है? इसमें आप लगे इसे कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी मटेरियल है इतना। फिर चाहे आपका SSC, RRB और IBPS अभी अलग करवाए जा रहे हैं, फिर एक साथ अगर मिलाकर भी करवाते हैं तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिर चाहे MP का कोई एग्जाम हो गया गवर्नमेंट, या फिर आपकी MPPSC, UPPCS, RPS यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ PCS, या कोई भी छत्तीसगढ़ का और एग्जाम हो, किसी भी एक तरह का, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इसमें हम लोग बात कर लेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, उसके बाद इसी करके इसी तरह हम लोग सभी सब्जेक्टों को कवर कर लेंगे, और ये सभी आपके लिए परीक्षा के टाइम आप लोग देख कर जा सकते हैं, ठीक है? उसी टाइम तो ये आपकी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान इतना ही पढ़ना है, बस काफी है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आप लोगों कहीं जाएगा आपका कोई भी क्वेश्चंस। अगर ज्यादा ही आता है, अगर विस्तार से आपको लगता है, तो NCERT उठा लीजिए फिर। इसके लिए एक लगता है कि अलग से आपकी एक सूची बना दे देनी चाहिए, रिवीजन, ठीक है? तो ये कर देंगे और सभी आपके जो भी टॉपिक हैं वो उसी में डाल दिए जाएंगे। तो चलिए रसायन विज्ञान को हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं परमाणु संरचना। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु अब नाभिक के अवयव हैं, तो आप याद रखिए प्रोटीन न्यूट्रॉन, प्रोटीन न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है, आणविक संरचना के बारे में सही कथन है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये आपके न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यानी कि आसपास चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है, तो आप याद रखिए फोटॉन नहीं है। क्या है? फोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन फोटॉन नहीं है, ठीक है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्वों में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृत तत्वों में। फिर आपका परमाणु भी है नाभिक हो जाता था, किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु, परमाणु कण नहीं है, तो आप कह देंगे ड्यूट्रॉन। कौन सा? ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोजिस्टॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रियो में से एक कण प्रति कण युग्म है, तो आप कह देंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिस्टॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिस्टॉन। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। आप याद देखिए हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है क्या होता है? दो प्रोटोन भी होते हैं और दो न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है, किसका होता है? तो आप देखेंगे बीटा कण का। किसका? बीटा कण का होता है, ठीक है? इसके बाद ये सही सुमलित, इस तरह के भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। तो सूची एक में विशिष्टता दी गई और इसमें आपके कण दिए गए, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक पिच क्रण पॉजिस्टॉन, फिर आपका पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन, तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं अच्छे से, ठीक है? फिर आपका परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम,
नियंत्रित होता है, जो परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो यह आपका उपबाऊ सिद्धांत द्वारा रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो यह अभिविन्यास से, किससे? अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटोन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसमें होगी आपकी चार। कितनी? फोर, चार। परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। जिनमें आप देखेंगे परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान होगी लेकिन जो न्यूट्रॉन होंगे इनकी संख्या अलग अलग देखने को मिलेगी, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भिन्न, परमाणु जो भार होता है ये भिन्न होता है लेकिन जो परमाणु क्रमांक आपको देखने को मिलेगा ये समान देखने को मिलेगा। कैसा? समान देखने को मिलेगा, समस्थानिक कहलाते हैं। किसी किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटोनों की संख्या वही होती है जो होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसमें क्या होती है? प्रोटोनों की संख्या तो आपको वही देखी जाएगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भिन्न देखी नहीं जाएगी। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक समूह है तो यह 6C12, 7N15, 8O16, 6C14, 7N15, 8O16। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किससे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? बेकुरेल ने। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन रहेंगे उनके बारे में भी जान लेते हैं। याद रखिए अगर मुझसे कहीं गलती होती है बोलने में तो आप लोग सहायता करने के लिए हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक हम लोग परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। अगर हमसे कहीं गलती होती है तो आप लोग हैं, वैसे कोशिश रहेगी कि सही बताया जाए लेकिन देखिए साइंस का इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूं मैं, तो हमसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, तो हम लोग एक परिवार की तरह जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि तेज बोल रहा हूं तो आप लोग स्लो भी कर सकते हैं और आप लोग तेज भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी क्वेश्चन बन जाएगा कि पानी में चीनी का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। या पूछ ले आप किसी की भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध आस्कंदन। कथन ए और कारण आर। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्युत हो जाती है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस में अधिक देखने को मिलते हैं। कहाँ? सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में, फिर चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, एमपी पीएससी हो या कोई भी पीसीएस हो। ठीक है, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। किसके? ऊष्मा के रूप में। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है इससे। ठीक है, पाश्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से। ठीक है, किसी सही कथन है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। क्या कह रहा है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक जो शुद्ध जल है उसके क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है या बढ़ जाता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक आपको बढ़ जाता है। कैसा? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, दिखता है। ठीक है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है। ऊंचाई की जगह पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अब इसे भी देख लीजिए आप लोग, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। कथन ए, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण आर, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कथन ए सही है लेकिन परंतु आर गलत है, कारण गलत है आपका।
वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, वह कोलाइडी कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है। तो एक देखेंगे गैस में द्रव, गैस में द्रव। पराशरण के विक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। पितीलों पराशरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। कैसा है? ना तो एक सही है आपका, ना ही दूसरा सही है। फिर आपके क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, यानी कि एक मिश्रण पदार्थों को अलग अलग करने में इसका उपयोग होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की विक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये सम्मिलित करना है आपको, उपचयनांक और तत्व। दो CaO का CA उपचयनांक है और थ्री NaAlH4 का Al का उपचयनांक है। तीन MnO3 MnO2 का Mn का उपचयनांक है। चार H2SO4 इसका S का उपचयनांक है 6। ठीक है, अब बात करते हैं अकार्बनिक रसायन, इससे भी क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। कथन ए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण आर, किसी एक वर्ग में परमाणवीय त्रिज्या त्रिज्याएं समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इसमें यहां से आपको सही कथन चुनना है। तो आप देखेंगे कथन ए गलत है, परंतु आपका आर सही है। क्या है? आर सही है। फिर आपका क्वेश्चन, किसी एक अपवर्तक की अनुदिश आयनन वैभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक तक कम होती है। तीसरा है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता देना है केवल दूसरा कथन सही है। कौन सा कथन? तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है कम होती जाती है। ठीक है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है तो यह बेसिक और एसिडिक, बेसिक और एसिडिक। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? ये आपको सिलिकॉन देखने को मिलेगा। क्या? सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व, 100 प्रकार के रासायनिक तत्व लगभग। रेत हीरा संगमरमर और शक्कर में से मूल तत्व कौन सा है? रेत हीरा संगमरमर शक्कर में से मूल तत्व कौन सा है? हीरा। हीरा हीरा हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। कार्बन एक आप तरह एक से कह देते हैं आप लोग कि कार्बन का अपर रूप है हीरा। ठीक है, ग्रेफाइट ए भी। अब बात करते हैं धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग देख लेते हैं। वह इलेक्ट्रॉन संरूपण जो धातु तत्व के लिए होता है, वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होता है 2882 2882। सोडियम कैल्शियम आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम कैल्शियम आयरन पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आप जानते हैं पोटेशियम। कौन सी? पोटेशियम है, पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लिथियम पारा, लिथियम ऑस्मियम एल्यूमिनियम ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु, यानी कि सबसे हल्की धातु बतानी है और सबसे भारी धातु बतानी है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु की बात करें तो ऑस्मियम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आप बता देंगे कि लिथियम। और अगर आपसे पूछे कि सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है, सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा। हीरा सोना लोहा प्लेटिनियम टंगस्टन में ऐसे कठोरता धातु है, यह प्लेटिनियम। कौन सी? प्लेटिनम। ठीक है, अगला है आपका कार्बोरंडम, कार्बोरंडम टंगस्टन कास्ट आयरन
नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर हो, बहुत तन्य है, तो ये आप देखेंगे नाइकोम। कौन सा? नाइकोम। ठीक है, अगला है आपका, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। कौन सा? यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और चांदी में सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी में सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। कौन सी? यूरेनियम। एक बात आप लोगों को और बता देता हूं, आप अगर क्वेश्चंस बनाने सीख गए तो मुझे लगता है कि आपकी हर समस्या सॉल्व हो जाएगी। इनमें से आपको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है। एक एक तरह से आपके निचोड़ तो ले लिया गया है केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का, लेकिन आपको क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, वरना आप लोग सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप, मुझे नहीं लगता है कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप अधिक से अधिक टेस्ट लगाया करिएगा, मॉक टेस्ट दिया करिएगा। ठीक है, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचीयोलिन। ठीक है, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। यहां भी आप देख सकते हैं कथन ए, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, आर कारण आर है, धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो इनमें से कौन सा सही है? सही, ये सही है, परंतु आर गलत है। सोडियम धातु का संचयन यानी कि सोडियम धातु को केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि आजकल जो सड़कें हैं उसमें रोशनी में पीले रंग का उपयोग, लैंप का कुछ ज्यादा ही उपयोग हो रहा है। इन लैंपों का उपयोग में उपयोग करते हैं सोडियम का। किसका? सोडियम का। सोडियम का, सोडियम वाष्प लैंप प्रकाश सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। पर्याप्त दीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो ये आप देखेंगे पारा वाष्प और ऑर्गन। क्या? पारा वाष्प और ऑर्गन। फिर आप देखेंगे एल्यूमिनियम सोना और क्रोमियम और जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना कौन सा? गोल्ड, जिसका आप देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होता है आभूषण के रूप में। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ की जो भी हमारे यहाँ की महिलाएं हैं वो सोने को बहुत लगन होती है, इसके ऊपर आप देखते हैं कई सॉन्ग भी बने हुए हैं। फिर आपका क्वेश्चन अगला, सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है किसमें? अम्लराज में। अम्लराज में अगला क्वेश्चन है आपका, सोने का शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और आपसे अगर पूछ ले कि कुछ आपके आभूषण कितने कैरेट के बनाए जाते हैं? 22 के। ठीक है, इसमें 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, ना कि शुद्ध सोने के नहीं होते, उसमें या तो एल्यूमिनियम बनाया जाता है या कोई और धातु मिला ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टाल्क 100 मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है आपसे पूछेगा, प्लास्टिक प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 1/2 H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आपसे ऑनलाइन में क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है आपको, तो आप बता सकते हैं इसमें। अगला है, डॉक्टर कलाकार मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट एस्क है, किसका? थोरियम का। माइका ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है, माइका। ठीक है, लोहा और इस्पात, खिलौने, गिलास, कुम्हारी और विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्यक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये आप देखेंगे विद्युत। विद्युत। ठीक है, विद्युत। पारा, पानी, ईथर और बेंजीन द्रव्यों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो ये देखेंगे पारा। पारा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा है? तो ये पारा ही आपको देखने को मिलेगा। सीसा, पारा, निकेल, टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है, कौन सा? पारा। पारे का साधारणता तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति। अगला है, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, कौन नहीं करता है?
लेड, ठीक है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से, किसके, तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है, लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से, हेमेटाइट से। सोची एक सोची दो को सम्मिलित करना है और एक तरह से मिली मिलाई है जोड़ियां, आपको बस याद रखना है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है चांदी, लेकिन आप देखते हैं चांदी का जो आप विद्युत के उपकरण होते हैं उनमें प्रयोग नहीं कर किया जाता है, क्योंकि चांदी महंगी रहती है। ठीक है, अगर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु की पूछे तो एल्यूमिनियम, इसी का उपयोग आप लोग करते हैं दैनिक जीवनचर्या में। ठीक है, सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाई जाने योग्य धातु स्वर्ण। आप कहिए कि एक कहा जाता है कि सबसे, मतलब आप 1 ग्राम सोने से कई किलोमीटर की, 1 से अधिक किलोमीटर की एक वायर बना सकते हैं। ऊष्मा का न्यूनतम संचालन सीसा में, किसमें, सीसा में। यहाँ आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए मुझे लगता है। हीरा, चांदी ग्रेफाइट, लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है, किसमें, चांदी में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कई बार बन भी चुके हैं। सही कथन है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, यानी कि दंत पेस्ट में इसका उपयोग किया जाता है। सूची एक सूची दो, क्या है सूची, सूची एक है और सूची दो है, भंजन पेट्रोलियम, ताम पिघलन ताम, हाइड्रोजनीकरण खादोसा, बल्किनीकरण रबर। ठीक है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइड का, किसका, बॉक्साइड का। लोहा तांबा एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड एस्क है, कौन सी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर आपकी सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, मिले मिलाए हैं बस आपको याद रखना है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, मणिक एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम और मैग्नीज में से जल से हल्का होता है, तो आप देखेंगे सोडियम, कौन सा, सोडियम। इस्पात पारा और सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम लगाना है, सोना उसके बाद पारा उसके बाद इस्पात। ठीक है, फिर आपकी मिश्र धातुएं, इनसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टील पीतल ब्रांज तथा तांबे में, तांबा में से मिश्र धातु नहीं है, तो आप देखेंगे तांबा मिश्र धातु नहीं है, बाकी स्टील और पीतल और ब्रॉन्ज मिश्र धातु है। कथन ए, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, कारण आ, यह सब में उपचयन क्षमता होती है, तो आपके दोनों कथन सही है, क्या है, दोनों कथन सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग में, जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होता है, क्या होता है, यसत, जस्ता की परत। ठीक है, गैल्वेनी के लोहे पर लेप होता है, किसका, जस्ते का, जस्ते का, जंग से बचाने के लिए इनका लेप कर दिया जाता है। एल्यूमिनियम पेस्ट परा एनोडिकेट होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। वह धातु जिसमें, जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, कौन सी है, एल्यूमिनियम है, कौन सी है, एल्यूमिनियम। पारद धातु मिश्रण है, पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, जस्ता तांबा मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अम्लगम नहीं बनाती है, कौन सी, लोहा नहीं बनाती है। ठीक है, जस्ता तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता, सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अम्लगम कहते हैं, किसे, पारा जस्ता को, पारा जस्ता को। टंका एक मिश्र धातु है, टिन और सीसे से मिलकर बनती है, कांसा मिश्र धातु है, तांबा और टिन को मिलाकर बना दी जाती है कांसा। ठीक है, सूची एक सूची दो, इसे भी देख लेते हैं आप लोग। जर्मन सिल्वर निकेल, सोल्डर टिन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन और हाइपो सोडियम। आपसे पूछे कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो 0%, कितना, 0%। ठीक है, तांबा, तांबा एल्यूमिनियम जस्ता निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, आगे है आपका पीतल कांसा जर्मन सिल्वर और गनमेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, किसमें, ये होती है आपको देखने को मिलेगी तांबे, पीतल कांसा जर्मन सिल्वर और गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसे में, किसमें, कांसा में। वह धातु जो पीतल कांस और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय के घटक के रूप में विद्यमान है, यह तांबा, तांबा, पीतल
पीतल मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, तांबा एवं जस्ता की, तांबा और जस्ता की। अब ये आपके क्वेश्चंस कुछ कथन दिए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पता है, इस तरह के कथन दे दिए जाते हैं, ये सिविल सर्विस में अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके या स्टेट पीसीएस में। पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, बिल्कुल सही कथन है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, ये आपका गलत है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, ये आपका सही है बिल्कुल। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, ये आपका गलत है। तो इसमें आपका 1 और 3 सही था, 2 और 4 गलत था। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के सहयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील आचुंबकीय हो जाता है वह है कौन सा, निकेल है। निकेल स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा, किसकी, कार्बन की मात्रा। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, कौन है ये तत्व, क्रोमियम, कौन है, क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, ये आपकी क्रोमियम, क्या सी, क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, वह तत्व जो इस उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यह सिलिकॉन, सिलिकॉन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है, यानी कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे में कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो यह है आपकी क्रोमियम, कौन सी, क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा क्रोमियम मैग्नीज कार्बन की, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल, ठीक है। स्टील में होता है क्या होता है, 0.1 से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिए ये तो आप अपनी दैनिक जीवनचर्या में भी देखते हैं, जब भी लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कई बार आपका बन चुका है। कथन ए, साधारणता यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनास्तरित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसे हम जिनको हम जंग कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा आपके यहाँ जो भी एक तरह से दरवाजे होते हो लोहे के, उनमें भी इसे आप देख सकते हैं, या पाइप बिछा हुआ है आपके यहाँ किसी तो वहां भी देख सकते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है, ये आपका गलत है, तो ए सही है, इसमें ए सही है। और ये एक तरह से क्या होता है, वायु के कारण होता है, वायु और नमी के कारण। अब बात करते हैं अधातुओं से संबंधित, देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले कार्बन और उसके विभिन्न रूप देख लेते हैं। कार्बन से आप देखते हैं कि हर बार क्वेश्चंस बनता रहता है, इतना ही। पानी पीते रहिएगा और एक बार अच्छे से बैठ जाइए, पूरा खत्म कर दीजिए, उसके बाद घोल के पी जाइएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, कौन सा, कार्बन, कौन सा, कार्बन। हीरा ग्रेफाइट कोयला में से कार्बन है, ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं, हीरा ग्रेफाइट कोयला। केवलार लेक्सान ग्रेफीन स्पाइडर सिल्क में केवल कार्बन से बना होता है, ग्रेफीन, कौन सा, ग्रेफीन। हीरा ग्रेफाइट ऑक्सो कार्बन तथा फुलेरीन्स में से कार्बन का अपर रूप नहीं है, ऑक्सो कार्बन, ऑक्सो कार्बन, कार्बन के आप लोग सभी अपर रूप भी रख लीजिए। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। कार्बन के तीसरे अपर रूप की अपर रूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिन्हें रासायनिक शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे कौन कौन से, रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो, रिचर्ड ई इस्माले, फिर आपका बक मिनिस्टर फुलरीन है। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 7 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या फिर षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं।
आपसे पूछे अगर कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कौन कार्बन नहीं है, तो आप बेझिझक कह दीजिए बालू नहीं है, कोयला है, ग्रेफाइट है और हीरा है। लेगनाइट, टिन, चांदी और लोहा में से कार्बन मिलता है, लेगनाइट में मिलता है आपको, ठीक है। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट, एंथेसाइट, प्रकारों में से वही एक जिसमें शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, ये आपका एंथेसाइट होता है। क्या होता है? एंथेसाइट होता है। सबसे ज्यादा इसी में कार्बन देखने को मिलता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। किसमें? ढलवा लोहे में। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल नहीं है, तो ये गंधक नहीं है। क्या है? इसमें गंधक नहीं है, ठीक है। कांच पर उत्कीर्ण किया गया या खरोंचा जा सकता है हीरा से, बिल्कुल सही बात। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ये भी सही है। एक्वारेजिया से, अम्ल राश से नहीं, सान सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं। तो याद रखिए कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है, एक तरह से लिखा जा सकता है। किससे? हीरा से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, दो से, ठीक है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के, ठीक है। हीरे आप देखते हैं पन्ना, एमपी में आपको हीरे की खानें मिलती हैं। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आया आज तक कि सबसे महंगी धातु जहां पाई जाती है, यानी कि हीरा, अच्छा मतलब खासी दामों की होती है, फिर भी वहां के लोग गरीब रहते हैं। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि वहां के लोगों को इसका फायदा नहीं देखने को मिलता है। ग्रेफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रेफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन हमें चुनना है। वह एक द्विआयामी पदार्थ है, उसकी विद्युत चालकता उत्तम है, बिल्कुल सही है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है, उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। उसका टच स्क्रीन, एलसीडी, कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे ग्रीपेन के रूप में कथन ए, कथन दो, कथन चार आपका बिल्कुल सही है, कथन तीसरा आपका गलत है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्रेफीन में से सर्वाधिक मजबूत होता है कौन सा? ग्रेफीन। ग्रेफीन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, ये बिल्कुल सही है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर है, जो हीरा है आपका तांबा और लोहे से कठोर है, ये भी आप लोग बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही कथन है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, ये आपका बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ये आपका गलत है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कथन ए, एक और दो सही है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है, भारी मशीनों के लिए उपयोग के लिए स्नेहक है ग्रेफाइट। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठीक। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फॉस्फोरस धातुओं में से वह जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो ये देखेंगे आप सिलीनियम, कौन सी? सिलीनियम। फिर आपका हाइड्रोजन और उसके यौगिकों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें क्या है? एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक सूत्र होगा, तो आप देखेंगे एक्स एच फोर, एक्स एच फोर। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशत यानी परसेंट है 11.11%, 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणु ग्राम ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होती है 580 किलोग्राम ऊष्मा, ठीक है। कितनी? 580 किलोग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने में से बनेगा क्या? बनेगा पानी। पानी, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, इंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, क्या करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भारी जल एक प्रकार का है मंदक, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? D2O, ये भी कई बार आपका पूछा जा चुका है। तो भारी जल का सूत्र क्या है? एक तरह से फार्मूला D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और पिसी तक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ आपको भारी पानी देखने को मिलेगा।
रिएक्टरों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन को हम लोग गुरु जल के नाम से जानते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, उसे हम लोग भारी पानी कहते हैं। हैवी वाटर, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है इसमें। भारी पानी की खोज किसने की थी? एच सी ओरे ने। भारी पानी का अणुभार होता है कितना? 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कठोर जल के बारे में उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं? उपयुक्त नहीं। पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, वायरलेस में प्रयोग के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए। इसमें आप देखेंगे इसमें चारों कथन हैं। इसमें चारों क्या कथन है? सही है आपके। कठोर जल ना तो पीने के लिए, और साबुन से कपड़े धोने के लिए, वायरलेस में प्रयोग होने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। ठीक है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। जल के पीएच, जल का पीएच मान क्या होता है? लगभग 7 होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, आपको बताना है रक्त का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, नीचे लिखना है। पानी का शुद्धतम रूप है, वर्षा का पानी आपका सबसे शुद्ध पानी होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्वि ध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। ठीक है, हीलियम, क्लोरीन, क्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से बहने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्लोरीन, क्या? क्लोरीन। ठीक है, समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण। फिटकरी गंदे पानी की को स्वच्छ कर देती है स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। आप लोग देखते हैं कि स्वच्छ, अगर गंदा पानी है तो उसमें फिटकरी डाल दिया जाता है जिससे शुद्ध हो जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है यह हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त यानी कि उपयोग होने वाली गैस है हाइड्रोजन। ठीक है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है क्या? निकेल उत्प्रेरक। निकेल उत्प्रेरक, ठीक है। फिर आपका अब बात करते हैं सल्फर नाइट्रोजन और हेलोजन अक्रिय गैसों से संबंधित कुछ मुख्य तत्व। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबल गैस कहलाती है। तो ये केवल हीलियम को आप लोग नोबल गैस कहते हैं, हीलियम को नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। तो ऐसे देखेंगे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग होती है ये आपकी 78 से 79% तक, सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन देखने को मिलती है। N2O2 कार्बन और H2 में गैसीय चक्र नहीं है। तो ये देखेंगे आप लोग H2 में नहीं है। किसमें नहीं है? H2 में नहीं है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन और हीलियम। यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि जो गोताखोर होते हैं एक कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, हीलियम का। ठीक है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है हीलियम को। आपने देखा होगा जब कोई डूब जाता है या कुछ ढूंढने के लिए लोग जाते हैं नीचे, तो एक सिलेंडर लिए रहते हैं, उसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन और हीलियम भरा रहता है। फिर आपका सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। कैसा है? अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। हास्य गैस, लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑर्गन नियोन जीनोन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से स्टेंजर गैस भी कहते हैं। किसे? जीनोन को। किसे कहते हैं? जीनोन को। फिर आपका एक कुछ पॉइंट दिए गए हैं, बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है। इसे फफूंद नाशी के रूप में भी प्रयोग लाते हैं। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग खाद्य परिरक्षक के रूप में भी उपयुक्त होते हैं।
शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? आपकी देखेंगे कि हंसाने वाली गैस को आप लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसमें सही नहीं है। तो ये मैं इसमें हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड सही नहीं है आपकी, ठीक है? और बाकी तीनों आपके ए बी सी सही है। नाइट्रोजन मुक्त से होता है, मुक्ति से होता है। स्थलीय मंडलीय स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अविभावित रहती है इससे। वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है? मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं। क्या है? यह है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है आपकी, नाइट्रोजन, ठीक है? फिर आपका कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन की। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है सामान्यतः? हीलियम, हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, ठीक है? आंसू गैस कौन सी है? अमोनिया को हम लोग आंसू गैस भी कहते हैं। H2SO2 NH3Cl2 में से आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। कौन? NH3 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और क्लोरीन में से सामान्यतः तब में ठोस अवस्था में रहता है। कौन रहता है? आयोडीन, आयोडीन नमक। ग्लाइसिन, एलानिन। सेरिन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। कौन सा नहीं है? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। कौन सी है? ब्रोमीन, ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है। नियोन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है। नियोन, पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी होती है। कम दाब पर ऑर्गन गैस और कम दाब पर पारे का वाष्प, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अम्ल क्षार और लवण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके। इनके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा हुआ है। यहाँ केवल आपका एक तरह से रिवीजन की तरह से रटवाना उद्देश्य है, ठीक है? क्योंकि NCERT में आपका बहुत विस्तार से पढ़ा है, चाहे आपका सामान्य ज्ञान हो, कोई भी बुक्स कवर की गई हो। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आना वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है किससे? ये आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है, आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है? पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक एक तरह से बताता है पीएच मान की ए कम क्षारीय है या ए अम्लीय है, ठीक है? इसमें 14 अंक होते हैं। अगर आप 7 से कम आते हैं तो अम्लीयता देखते हैं, 7 से अधिक जाएंगे आप लोग तो क्या देखें? क्षारीय देखेंगे। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। रासायनिक उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है, तो यह है H2SO4, H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है। AlCl3, BF3, NH3 और FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है, तो ये आप देखेंगे NH3 नहीं है, लुईस अम्ल NH3 नहीं है। बाकी आप देखेंगे AlCl3 भी है, BF3 भी है, FeCl3 भी है, लेकिन NH3 नहीं है। कथन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है ना कि अम्ल में पानी, ये आपका बिल्कुल सही है। कारण आर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ये भी आपका सही है, दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। फिर आपका क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल, ठीक है? नीला थोथा, नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है।
यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? यह आपकी अमोनिया। कौन सी? अमोनिया। अब आपको सही सम्मिलित जोड़ी देखना है। बॉसिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोता कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडा किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। इनको भी याद रखना, कई बार आपके क्वेश्चंस में बन जाते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3, Na2CO3। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या सही कथन आपको चुनना है? निर्जल निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। गलत है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है। विरंजक चूर्ण का उपयोग हेसन क्लेवर क्लेवर के रूप संयंत्र में होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। एक कथन गलत है, दो और तीन सही है आपका। दो और तीन क्या है? सही है। कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट में वह लवण जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, या आपको सोडियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक है, खाने का नमक बनता है किससे? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ठीक है, अब आपके इन कथनों को भी याद रखिए। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। ये भी आपका सही है। बेरियम तथा स्ट्रॉन्शियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो ये कथन आपका सही है, सॉरी गलत है। इसमें ए बी सी सही है, डी आपका ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन आपका कैसा है? गलत है। फिर आपका क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जल में अधिक विलेय होता है, जल में अधिक विलेय होता है, गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। इनमें से असत कथन देखना है तो आप देखेंगे जल में अधिक विलेय नहीं होता है। ठीक है, बाकी बी सी डी आपका बिल्कुल कथन सही है। बी सी डी आपका कथन सही है, लेकिन पहला ए कथन आपका गलत है। बड़े ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्लो भी कर सकते हैं, आपके पास सभी ऑप्शन उपलब्ध हैं। ब्लीचिंग पाउडर में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचार की भांति उपयोग होता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचार की भांति उपयोग किया जाता है। क्रोम रेड सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोजन परऑक्साइड और कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये आप देखेंगे सोडियम थायोसल्फेट, कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन जलीय विलयन है, कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो आप जानते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इसके बारे में भी आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिए। आयनी यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक एल्कोहल में आविलेय होते हैं। बिल्कुल सही है। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये आपका गलत है। तो इसमें आप देखेंगे कि केवल एक कथन आपका सही है। एल्कोहल पानी शहद और गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान है, क्या है? ये शहद, शहद है जिसे आप लोग देखते हैं कि मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बनिक रासायनिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
एक तरह से तत्व जो आपके क्वेश्चंस और आंसर आपको आराम से सॉल्व करने की स्थिति में पहुंचा देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में पदोर्भाव का सही अनुक्रम है। तो इसमें देखेंगे मेथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो अम्ल, ये सभी सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। कार्बन सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है कार्बन। कार्बन ये आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देख लीजिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। उपयुक्त तत्व समूहों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है, यानी कि सबसे जरूरी है जीवन के लिए हमारी, तो ये देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के अणुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम देना है हमें। तो इसमें आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इसे याद रखिए, मास्टर गैस। इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। रासायनिक युद्ध में क्वेश्चन से आपका ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन और रेडोन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मेथाइल आइसोसाइनेट की रिसाव के कारण। याद रखिए, इस गैस को भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, मेथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। MIC भी बोल देते हैं इसे, माइक। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही होती है मेथेन अवघटन में से। मेथेन अवघटन से मेथेन गैस उत्पाद करने वाला होता है क्षेत्र, धान का खेत। धान के क्षेत्र से आपको मेथेन गैस उत्पादन देखने को मिलेगा। सूची एक और सूची दो को देख लीजिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार से संबंधित है। DDT कीटनाशक, निकोटिन तंबाकू। निकोटिन तंबाकू वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। कौन सा है? निकेल। कौन सा है? निकेल। फल पकाने में सहायता करता है। फल पकाने में सहायता करता है। कौन सा? इथेफोन। इथेफोन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। एसिटिलीन ठीक है, फलों के पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। एथिलीन यह गैस मिश्रण जो गैस गैस बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि गैस बिल्डिंग भी होती है, जब आपकी देखा होगा आपने सामान्य बिल्डिंग बेंडिंग नहीं होती है, जिस पर उस पर आप देखते हैं कि एक गैस बेल्डिंग होती है, जैसे आपके पास पीतल का लोटा है उस पर आपने देखा होगा कि गैस बेल्डिंग की जाती है, समझ रहे हैं? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेल्डन उद्योग में उसका उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, ये भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, ये आपका गलत है। एक और दो सही है। सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? फ्लोरिंस कार्बन परिवार का अपरूप है, बिल्कुल सही है। शुष्क वरक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, मास्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयोग होने वाला विषैला द्रव। आप लोगों से हमेशा बोलता आया और हमेशा बोलूंगा मैं कि आप लोग क्वेश्चंस पकड़ना सीखिए, और स्थाई और अस्थाई क्वेश्चंस पकड़ना भी सीखिए। स्थाई मेरा कहने का मतलब ये है कि गांधी के जी का जन्म आप सोचिए 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी का जन्म बदल दिया जाएगा, तो ये हो गए स्थाई आंकड़े। ठीक है, अब आपसे गांधी जी की जयंती के बारे में पूछे कि ये कौन सी जयंती है, तो ये हो गया अस्थायी आंकड़े। तो आपको जुड़ा रहना चाहिए करंट से अस्थायी आंकड़ों के लिए, और स्थायी आंकड़े आपको रट लेने चाहिए। ठीक है, सम्मिलित हैं, इसे भी देख लीजिए। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मास्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयोग होने वाली विषैला द्रव है,
भैया सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन प्रयुक्त बहुलक, फुलेरीन कार्बन परिवार का अपरूप, कार्बन परिवार का अपरूप है। ठीक है, सही सम्मिलित देखना है आपको। पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फियोन विषीदक, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। फ्लोरीन ब्रेंजीन के लिए सत्य है, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं आपकी, किसमें? ब्रेंजीन में। ठीक है, एल्कोहल एल्कोहल एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य माना जाता है, मेथिनॉल और पेरिडीन को मिलाकर बनता है, इससे मौत भी हो सकती है अगर इसे पिएंगे आप लोग तो। एथिल एल्कोहल उन शराब त्रासदियों में जिनमें परिणामता अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ होते हैं, ये होते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल को शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल एल्कोहल, सिरा अति उत्तम कच्चा माल होता है एल्कोहल के उत्पादन के लिए। आप देखते हैं कि सुनते रहते हैं कि इतने शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई, तो इन्हीं के कारण हो जाती है। बहुलक प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोपीन, ऊन रेशम चमड़ा और नाइलॉन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, कौन सा नहीं है? इसमें नाइलॉन देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, घी स्टार्च प्रोटीन रुई कपास में बहुलक नहीं है, तो ये घी नहीं है। क्या नहीं है? घी नहीं है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का, किसका? एथिलीन का, प्लास्टर से उत्पन्न होती है पॉली एथिलीन गैस, पॉली एथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉली एमाइड का, पॉली एमाइड का। फिर आपका पॉली कार्बोनेट, पॉली यूरेथिन, पॉली स्टाइरिन, पॉली एमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, यह आपका पॉली कार्बोनेट, पॉली कार्बोनेट, पॉली कार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त तो बहुलक पदार्थ है केवलर, केवलर रेसेदार रेसेदार कांच, गन मेटल शीशा, लेमिनेटेड पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है, ये आपका है लेमी नेटेड कांच, पटलित कांच। ठीक, अभी आपके क्वेश्चंस कुछ कथन दिए गए हैं, सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए अभी क्वेश्चंस आपके बनाए जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। टेफ्लॉन और डिक्रॉन बहुलक हैं, बिल्कुल सही है। नियोपीन संश्लेषित रबर है, बिल्कुल सही है। पॉलीथीन पॉली एथिलीन का बहुलक है, ये भी आपका सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोपीरीन है, फ्रेन ए गलत है आपका। तो इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3 कथन आपके बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 कथन कैसे हैं आपके? बिल्कुल सही है। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये है आपके टेफ्लॉन। क्या है? टेफ्लॉन। ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का, किसका? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन, टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन टेफ्लॉन के प्रोलेक्टम और पॉलीस्टाइरीन में से पॉलीमर नहीं है, तो ये आप देखें के प्रोलेक्टम। ठीक है, फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकिलाइट के निर्माण में, फिनॉल का उपयोग होता है बेकिलाइट के निर्माण में। ठीक है, फिर आपका कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके, इन्हें भी याद रख सकते हैं आप लोग। कथन ए, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, बिल्कुल सही है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये देखेंगे आप लोग दोनों कथन सही है, लेकिन किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन कथन आपकी ए और दो सही है, कथन ए भी सही है, कारण ए आर भी सही है आपका। पानी भी आपके लिए जरूरी है, समझ रहे हैं? पढ़ना भी जरूरी है, पानी भी। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, ये आप देखते हैं लैक्टिक एसिड का संचय, इसके कारण आप देखते हैं कि शरीर में थकान होता है और शरीर टूटने का काम भी करता है। वह द्रव जिसमें एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा होता है साइटिक अम्ल के कारण,
नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सामान्यतः याद रखा करिए। नींबू में मुख्यतः होता है क्या होता है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल सूची एक एक और सूची दो को सम्मिलित करना है। लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू, ब्यूटाइट्रिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन। याद रखिए आपके कई बार पूछ लेता है कि सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, तो इन्हें आप लोग बड़े अच्छे से याद रखिए। स्कर्वी अम्ल नींबू, माल्टोस माल्ट, लैक्टिक अम्ल दही, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी में। अचार एसिटिक अम्ल खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल सेब, मैलिक अम्ल शीतल पेय एवं सोडा वाटर में। कार्बोनिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। अंगूर में अगर बात करें तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टरिक अम्ल, इसे भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है क्या, ऑर्गेनिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सत्य कथन चुनना है, गन्ने के रस को किण्वित करने का सिरका करने पर सिरका बनता है, सिरका। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं विस्फोटक पदार्थों के बारे में भी, कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, मैथेन एवं वायु, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मैथेन गैस। युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों, खानों यानी कि खदानों की बात कर रहा हूँ, अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण बनती है। तो आप देखते हैं इसमें से मैथेन एवं वायु, मैथेन और वायु बनती है सबसे ज्यादा। खानों में अधिकतम विस्फोट होता है किसके से, मैथेन के साथ वायु के मिलने से। मीथेन के साथ वायु मिलती है जब आप देखें खदानों में अधिक विस्फोट देखने को मिलता है। फिर आपका ट्राई नाइट्रो टोलुइन, TNT भी कहते हैं जिसे, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, साइक्लो ट्राई मेथिलीन, ट्राई नाइटेमीन RDX भी कहते हैं। आप लोग मूवियों में इसका नाम भी सुनते रहते हैं RDX। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म में विस्फोटक नहीं है, तो आप देखेंगे कि नाइट्रो क्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। बाकी आप TNT देखेंगे, चाहे फिर आप लोग RDX देखें, ये सभी आपकी, या बाकी जो देखें ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ये सभी आपकी विस्फोटक हैं। TNG, TNP, TNA और TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोवेल तेल। तो आप जानते हैं कि TNG को आप लोग नोवेल तेल के नाम से जानते हैं। RDX का आविष्कृत हुआ है, कहाँ हुआ था आविष्कार RDX का, तो हैनिंग द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। सत्य कथन है RDX एक विस्फोटक है। RDX आप सभी जानते हैं कि विस्फोटक है। RDX का एक अन्य नाम है, RDX का एक अन्य नाम है, उस नाम को भी आपको बताना है। यह है साइक्लोनाइट। फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन में से वह है जिसे विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है। ये आपको नाइट्रोग्लिसरीन देखने को मिलेगा, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन के एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल, कौन सा एमाटोल, ग्लिसरॉल, मैथिलोल, यूरिया तथा ऑक्जिलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। किसका, ग्लिसरॉल का, किसका, ग्लिसरॉल का। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ईंधन से संबंधित प्रमुख तत्व देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कॉल गैस, टार, कोक, कॉक, पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन कौन सा है, तो आप जानते हैं पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। एक बात और बताऊं हम लोग कि आप देखेंगे कि हमारे पास इतना सुविधा नहीं है कि कच्चा तेल की कि हम लोग अपनी आपूर्ति पूर्ति कर सकें, इसलिए आप जानते हैं कि हम लोग 70 से 75% कच्चा तेल बाहरी देशों से खरीदते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिए। कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक गैस और डीजल जीवाश्म ईंधन में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस और प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है, ये प्राकृतिक गैस है। कौन सी, प्राकृतिक गैस। हाइड्रोजन चारकोल और प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान
मान होता है हाइड्रोजन का, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की, किसकी, पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचालक के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के लिए, किसके लिए, डीजल के लिए। ठीक है, फिर आपका कुछ क्वेश्चन क्या है अगला, एक तरह से क्वेश्चंस तो ही हैं आपके। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु, डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यता है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यता है मीथेन। वायु गैस संयंत्र में निष्कासित वायु गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है मीथेन, कौन सी, मीथेन। वायु वायु गैस में मुख्यता होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन। वायु गैस का मुख्य घटक है मीथेन, कौन सा है, मीथेन। गोबर गैस से मुख्यता मुख्य तत्व है, गोबर गैस में मुख्यता तत्व है मीथेन। एक बायो गैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया डॉक्टर एस बी देसाई ने, डॉक्टर एस बी देसाई ने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन, कौन सा, ब्यूटेन। इंडेन गैस एक है ब्यूटेन प्रोपेन एलपीजी, सही मिश्रण सम्मिलित है, ये आपको देखना है बस याद रखना है। सीएनजी इसमें आपका मेथेन इथेन देखने को मिलेगा, एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, माफ करिए अगर कहीं गलती हो जाती है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोक दिया करेगा नीचे लिख भी दिया करेगा, कई लोगों को देखता हूँ कि वो सही करके नीचे भी लिख देते हैं गलती जहां हो जाती है। ऐसे ही जुड़ा रहना है, देखिए एक दूसरे की मदद करते हुए जुड़ना है, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि चलिए हमारा गलत हो गया तो सामने वाले का गलत हो जाए, एक अलग बात है, अलग तरह की सोच हो जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। कथन ए, कथन ए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मेथेन होता है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मेथेन होता है, ये गलत है। कारण आर, मेथेन घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां पर पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है, ये आपका सही है, कारण आर सही है, लेकिन कथन ए गलत है। आप जिस तरह से आप लोग विद्युत देखते हैं ना कि आप तक कॉइल डली है, आपके यहाँ तक वायर पहुंच चुकी है, आप कोई कनेक्शन लेते हैं तो आपके यहाँ वो वायर आ जाती है, फिर चाहे आप कोई टीवी का कनेक्शन हो या वाईफाई का कनेक्शन, इस तरह की एक दिन ऐसा ही होगा कि आपके यहाँ जितना आप लोग यूज करेंगे गैस उसी तरफ से बिल बनकर जाएगा, आपके मीटर लग जाएगा, आपको गैस सिलेंडर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत जल्दी ऐसा दिन आने जाएगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं किया किए जाते हैं, घरेलू एलपीजी में सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में, तरल रूप में। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर आपकी स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4, क्या है, मेथेन CH4। इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द्रवित प्राकृतिक गैस का अत्यधिक शीत ताप और उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ, ये गलत है। द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस के द्रवों का पृथक्करण किया जाता है, और इनमें इथेन प्रोपेन ब्यूटेन और प्राकृतिक गैसोलीन गैसोलीन को सम्मिलित रहते हैं, ये आपका गलत है। इसमें आप देखेंगे केवल एक कथन आपका सही है, क्या है, केवल एक कथन आपका बिल्कुल सही है। गैसो होल है, गैसो होल है, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल को आप लोग गैसो होल के नाम से जानते हैं। ठीक है, गैसो होल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के रूप में कहलाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। गैसो होल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, गैसो होल ब्रेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, ये आपका गलत है। भूतापीय ऊर्जा एक आप पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये आपका बिल्कुल है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है,
ये आपका बिल्कुल सही, 1-3-4 सही है। अभी आपने देखा है कि जब से आपने नई सरकार आपके देश में आई हुई है 2014 से, तब से आपने देखा है नवीकरणीय ऊर्जाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में आपकी जल ऊर्जा हो गई, आपकी सूर्य से आने वाले सूर्य की ऊर्जा यानी कि सौर प्लेटें लगाई जा रही हैं। तो याद रखिए, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कोयला और कच्चा तेल एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी हमें अपनी जरूरतों को पूरी करना है ऊर्जा की, तो हमें इस तरह के विकल्प देखना होगा और ऐसे विकल्प हमें चुनना होगा जो हमारे जीते जी यानी कि जब तक धरती है तब तक वो हमारे साथ बने रहे। ठीक है, कार के इंजन में नाकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्राएथिल। टेट्राएथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी एंटी नाकिंग रेटिंग यानी कि अप स्फोटन दर को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजनों में पिथिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। मोटर कारों की अपेक्षाकृत नए मॉडलों में की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, सुप्रवाही ढांचा, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित इनमें से वह विशेषताएं जो मोटर कारों की अपेक्षा के नए मॉडल को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं। तो इसमें आप देखेंगे रेडियल टायर, फिर आप देखेंगे बहुबिंदु ईंधन अंतरक्षेप और फिर देखेंगे उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक यानी कि 1-3-4 इसमें से आप लोग देखेंगे। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ है हाइड्राइड। याद रखिए हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का उपयोग होगा तो वायु प्रदूषण या कोई भी प्रदूषण कम ही मात्रा में ना के बराबर फैलेगा। अब आप देख लेते हैं खाद्य संरक्षण पोषण और औषधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में एक तरह से सुरक्षित रखने में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। ठीक है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। इस शब्द को बड़ी अच्छे से याद रख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। सोडियम कार्बोनेट एसिटिलीन बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन, पिसीतन परिरक्षक में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। ठीक है, नियोन ऑक्सीजन और फियोन में से वह सामान्य पिसीतक जिसको घरेलू पिसीतकों में प्रयोग किया जाता है यह आपका फियोन। ठीक है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल। शहद का प्रयोग खटक है, प्रमुख खटक है फैक्टोस, फल शर्करा। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम किंतु मधुरक है, यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों को समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है, उसमें उसके इस इस्तेमाल का आधार है एस्पार्टेम। सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा भी होता है और थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी भी प्रदान करते हैं। मधुरक यानी कि जो डायबिटीज से पीड़ित होता है वो इसका उपयोग भी करते हैं। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से, एस्पिरिन किससे मिलती है पेड़ से। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है, शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। शांतिकारक औषधि के रूप में किसका प्रयोग होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एमल्सन का, फायस का। दूध खून आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइड नहीं है, ये आइसक्रीम नहीं है, क्या है आइसक्रीम नहीं है। दूध को एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है इसके वसा कणों के कारण। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर
खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है, लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से ही दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है योजीनॉल, योजीनॉल। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद, अमरूद। समझ रहे हैं आप? इलाहाबाद की, आप कहते हैं अमरूद फेमस है इलाहाबाद का। कार्बनिक खाद्य खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशक नाशकों के लिए उपयोग किए उगाए जाते हैं, का उपयोग किए बिना। ठीक है, आजकल तो आप देखते हैं कि जो भी रहते हैं इसमें आप कृत्रिम कीटनाशकों का भी उपयोग होता है, खादों का उपयोग होता है, तो आज के आप कहिए एक तरह से शुद्ध नहीं मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? लौकी भी आप देखिए शाम को छोटी सी भी है, आप सुबह देखेंगे खाने लायक हो जाएगी, सब्जी बनाने लायक। तो इसमें क्या होता है, इंजेक्शनों का उपयोग भी किया जाता है, और इंजेक्शनों का उपयोग होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खराब हो गई। आप मार्जक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वनस्पति तेल, मोबिल तेल और कैरोसिन तेल। कटिंग तेल से में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पतिक तेल का। किसका? वनस्पतिक तेल का। अपमार्जक है, अपमार्जक है, शोधन अभी करता है, शोधन अभी करता। कथन ए, अपमार्जक मैली कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। कारण आर, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसमें आप देखेंगे ए कथन आपका बिल्कुल सही है। ए कथन कैसा है? बिल्कुल सही है। अब अगला देखते हैं, कथन ए, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। कारण आर, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की घुलनशील लबड़ बनाते हैं। ए भी आपका, ए भी दोनों, ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कपड़े धोने की चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन है? यानी कि एक दो दोनों सही हैं आपके, इसमें दोनों सही हैं आपके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उर्वरक से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व। कथन ए, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक हैं। बिल्कुल सही है। कारण आर, 1 मैट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलोग्राम किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। इसमें भी आप देखेंगे ए भी, सॉरी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे, गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का, नाइट्रोजन उर्वरक का, खाद का। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। ये पादप पोषक तत्व हो गए, ये कार्य हो गए, सही सुन लेते हैं आपको, बस याद रखना है। नत्रजन वृद्धि एवं विकास से संबंधित, फॉस्फोरस जड़ का विकास करती है, पोटेशियम एस्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण, बोरोन रोग प्रतिरोधकता इसका काम है। ठीक है, वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%, 47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में। इन तत्वों को भी आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में पिचुरोदन प्रोलीफरेशन हो सकता है। कैसा है कथन? गलत। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, सही है। भौमजल ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन की निचालन यानी कि लिंचिंग, लिचिंग हो सकती है, ये भी सही है आपका। इसमें देखेंगे आप लोग 2 और 3 सही है, एक आपका गलत है। ठीक है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। याद रखिए, मैं तो कहता हूँ हमेशा, आप अगर फसल करते हैं आप लोग कोई भी, तो आप कृत्रिम या खाद, इस तरह की खादों को छोड़िए, आप लोग अपना देसी खाद यूज किया करिए, जो गोबर से आप लोग बनाते हैं या आप इनसे केंचुए से आप लोग बनाते हैं कंपोस्ट करके, उसका उपयोग किया करिएगा। आप जो ठूंठे बचते हैं आप लोग फसल काटने के बाद, उन्हें आग मत लगाया करिएगा। उन्हें हमेशा सलाह दिया करिएगा कि जैसे ही आप लोग फसल काटते हैं, कई मशीनें आने लगी हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं, जुताई कर दीजिए। जब पहला पानी बरसेगा तो वो गल जाएंगे उसमें, वो बेहतर खाद बन जाएंगे। और आप जलाते हैं जब, तो आप देखिए कि जो हमारी मिट्टी के लिए उपजाऊ बनाने के लिए कई कीट होते हैं, वो भी मर जाते हैं उसके बाद। ठीक है, तो बेहतर है आपका कि इस तरह का उपयोग कर सकते हैं आप लोग। डीएपी में फॉस्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। 18% आपकी नाइट्रोजन और 46% के करीब आपकी फॉस्फोरस यानी कि P2O5। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट, यूरिया सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है आपका, ठीक है। यूरिया सोडियम सल्फेट नहीं है, यूरिया है आपका, सुपर फॉस्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी आपके रासायनिक उर्वरक हैं, लेकिन सोडियम सल्फेट आपका नहीं है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। आप लोग देखते होंगे, अगर आप किसान हैं तो आपके परिवार में इस तरह का उपयोग होता है खेती के लिए, ठीक है। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। सनई कौन सी? सनई। चलिए अब विविध कुछ महत्वपूर्ण सबसे आपके क्वेश्चन से देख चुका हूं, अब कुछ और तथ्य भी देख लेते हैं सभी को मिलाकर। पहला कथन है आपका, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। दोनों कथन आपके सही है, कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ए और दो आर दोनों सही है आपके, ए आपके सम्मिलित हैं, बस आपको ध्यान देना है। मैसान की खोज हिडेकी योकावा ने, प्रोजिस्टोन की खोज सी डी एंडरसन और यू एफ हैसन ने, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा एच ए बेथे, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जी टी सेवोर, अब आपका मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन, एलिथ्रीन अग्निशमक में काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से, ठीक है। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का, पाइरेथम रोटिनोन और एफ्रेडिन में से मच्छर पित्ती कृषि के रूप में प्रयोग किया जाता है, पाइरेथ्रम का, ठीक है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से, एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बना होता है वह है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड इससे बनता है आपका चूहे मारने वाला जहर विष, ठीक है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फोर्ट, जिंक फॉस्फोर्ट, फॉस्फाइड में से चूहा विष के रूप में उपयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का, जैन जिंक फॉस्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने में, किसका? चूहों को रोकने में। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। समस्थानिक C6H12 समृद्ध है फॉसिल जीवाश्मी की आयु निर्धारण के लिए, यानी कि जीवाश्मी की अगर आयु निर्धारित करनी है तो इसी से कहते हैं कार्बन विधि, ठीक है। काष्ट अस्थि संख्य के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, ऑर्गन आइसोटोप और कार्बन 14, एस्टोनसियम 90 में से अपनाया जाता है कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 उपयोग किया जाता है इस तरह के पुरातात्विक नमूनों का, अगर आपको डेट बतानी है, ज्ञात करनी है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल की उम्र निर्धारण करने के लिए, आपका फॉसिल की उम्र निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग का एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र, चट्टानों की उम्र हम लोग अगर कितने साल पुरानी है इसका अगर पता लगाना है तो रेडियोधर्मी डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है
ये आपका यूरेनियम विधि द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम विधि का उपयोग करते हैं पृथ्वी की आयु बताने के लिए। एक कार्बन कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जैना कांच, कोक्स कांचों में से वह जो परावैगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है कोक्स कांच से, ठीक है। ब्रेट भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड में से वह जो यशत पुष्प कहलाती है जिंक ऑक्साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? जिंक ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। ब्रोक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के विज्ञान दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विविक्षाएं हैं कौन कौन सी? यह खनिक पूर्वक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है। गलत है। यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह आपका बिल्कुल सही है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो इसमें आप देखेंगे 2 और 3 सही होगा, 1 आपका बिल्कुल गलत है। आपका कैसा है? गलत है आपका। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है। कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। ये आप भी सही सम्मिलित हैं, बस आपको याद रखना है। हॉर्न सिल्वर आपका सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड और कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। फैलास्फर ऊन जिंक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मीथेन जिसमें वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। मंगल ग्रह में आप देखेंगे कि मीथेन आपको देखने को मिली है। याद रखिए पृथ्वी के बाद अगर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं मानव रह सकता है तो आपको देखने को मिलेगा मंगल ग्रह, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि मंगल ग्रह भी छोड़ते रहते हैं, चलते रहती है प्रक्रिया। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित हैं आपकी, बस आपको याद रखना है। लोहा इसमें आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, सीसा, संचारक बैटरी, चांदी, फोटोग्राफी, तांबा, तड़ित चालक के रूप में। सूची 2 को भी देखते हैं, सूची सम्मिलित हैं दोनों, सूची 1 और सूची 2। मॉर्फिन, एनाल्जेसिक, सोडियम, केरोसिन तेल, बोरियम अम्ल, एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम, टाइटेनियम को भी, ठीक। सही सम्मिलन करना है, सही सम्मिलित है आपके, बस आपको याद रखना है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में उपयोग होता है। यूरेनियम का परमाणु बम में उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में आप उपयोग करते हैं। जिंक का गैल्वेनीकरण में उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। पेट्रोल बेंजीन तथा एल्कोहल से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है। तीनों का प्रयोग हम लोग करते हैं धुलाई के लिए, ठीक है। लाल स्याही बनाई जाती है यू ओसिन से, ठीक है। नीला, लाल, हरा तथा काला में से रंग को सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है। लाल कौन? लाल। ये सही सम्मिलित हैं, बस आपको याद रखना है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक में, हाइड्रोजन परोक्साइड घाव की मरहम पट्टी में उपयोग होता है, द्रव अमोनियम विसीतक के रूप में उपयोग होता है। इसे भी देख लेते हैं। फॉस्फोरस ऑक्साइड माचिस में आप देखते हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, यूरेनियम परमाणु बम। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फॉस्फोरस। माचिस बनाने में उपयोग होता है किसका? फास्फोरस का। दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है श्वेत फास्फोरस। कौन सा? सफेद फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है सोमियो आई जीमान। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर आलवर जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया है कावरत्ती में। भारत में जल विलय विलवणीकरण
सेंथ स्थित है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ठीक है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ईडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है ईडेफिक ठीक है। द्रवित ऑक्सीजन या फिर द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है, क्या कहलाती है? क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स। धूम पर्दे, पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम पर्दे बने होते हैं किसके? टाइटेनियम ऑक्साइड की अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी विकिरण से बने होते हैं। इन्हें भी देख लेते हैं। विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने, बिल्कुल सही है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है आपका। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी आपका सही है। टेलीफोन की खोज ग्राम बेल ने की थी, ये भी आपका सही है। ये चारों कथन आपके सही हैं। चारों कथन क्या है? बिल्कुल सही है आपके। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। कथन ए और कारण आर, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है आपका। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है ठीक है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा, एक सूखी सेल में पाई जाती है क्या? रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघटनों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहां भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। टॉर्च लाइट, विद्युत छुरक यानी कि सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, निकेल और कैडमियम, निकेल और कैडमियम। टॉर्च लाइट की जो भी इसकी बैटरियां होती हैं इसकी इसमें उपयोग होता है, ये आपके सम्मिलित हैं, बस आपको याद रखना है। फियोन विसितक के रूप में उपयोग होता है, टेट्रा एथिल लेड एंटीनॉक एजेंट के रूप में, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कीटनाशी के रूप में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक के रूप में। सूची दो को भी देख लीजिए, इसे भी सूची को, सूची एक सूची दो। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट ये बेकरी के रूप में उपयोग होता है आपका, इसे भी आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए ठीक है। इसे भी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा कहते हैं इसे। फ्लोराइड प्रदूषण दांत से संबंधित, मैथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रिक्तता चरम कैंसर। कथन ए को पढ़िए पहले। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, कारण आर, फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न है और फिनोल एक प्रभावी रोगाणुनाशी भी है। ए और आर दोनों सही हैं आपके और आर ए का सही कारण भी है ठीक है। इसे भी देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कॉक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है, इसका कार्य है अपचायक के रूप में किया जाता है, इसका कार्य करना अपचायक के रूप में क्रिया करना, बिल्कुल सही है। लोह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, ये आपका गलत है। ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, ये भी आपका सही है। औपचायिक के रूप में क्रिया करना, ये आपका गलत है। तो इसमें आप देखेंगे एक और तीन सही है, दो और चार गलत है आपका। इसे देख लीजिए आप लोग, सूची एक विशेषताएं और सूची दो तिथि है। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस यानी कि खेल दिवस आप जानते हैं कि 29 अगस्त को ध्यानचंद की याद में, याद रखिए मेजर ध्यानचंद की याद में। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में और एमपी के एग्जामों में काफी फेमस रहा है और हर बार पूछा जाता है लगभग किसी ना किसी एग्जाम में। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। ये नागासाकी दिवस इसलिए मनाया जाता है, आप देखते हैं कि जापान में परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो उसी की याद में ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000
को नवोदिष्ट किया था अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में से। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को, 2 से 3 दिसंबर 1984। बिस्फेनॉल ए है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। वह देश जिसमें गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कानूनन अनिवार्य कर दिया, ब्राजील ने। किसने? ब्राजील ने। थॉसजीन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। मैथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रेट ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मैथेन। गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है CO2, फिर आप देखेंगे CH4, N2O और CFC। एक बात आप लोगों को और बता दूं, इनके हमेशा इन नामों को याद रखा करिए। CO2 को आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं क्योंकि इस तरह के आपको अधिकतर नाम आपको सूत्र दिखाई देंगे इनके, रासायनिक सूत्र, इनके नाम कभी ही आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थे आपके रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। देखिए मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये पूरा है आपका, लेकिन रिवीजन के लिए आपका काफी है, ठीक, वन डे एग्जाम के लिए तो मुझे लगता है कि काफी है, क्योंकि देखिए पूरा पढ़ पाना जल्दी मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतना अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत क्वेश्चंस लिए गए हैं जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में या तो पूछे जा चुके हैं और पूछने की पूरी संभावना होती है, उन क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया था। चलिए तो आगे हम लोग मिलते हैं आपकी जीव विज्ञान में, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके किसी भी परीक्षा में हो तो जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग।